डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के सामने डिफेंड किया एक बड़ा टोटल, शिखर, रोहित, कोहली, धोनी, पांड्या सब चमके बैट के साथ। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी एंड आवर डिजिटल रेडियो स्पोर्ट्स पार्टनर स्पोर्ट्स फ्लैशेस। क्या मुकाबला हुआ ये बॉस, एब्सोल्यूटली रॉक स्टार्स। क्या बैटिंग की ना, पहले तो टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला। और जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि टॉस जीतिए बैटिंग कीजिए, एशियन टीम्स तो आंखें मूंद कर बैटिंग कीजिए, क्योंकि बाद में आपके स्पिनर्स का कद बढ़ जाता है और चेज करना यहां संभव इतनी आसानी से हो नहीं रहा। एक भी वो 250 से ऊपर का टोटल हमने अभी चेज होते हुए देखा नहीं है। ये हम विश्व कप का 1/3 विश्व कप इज डन एंड डस्टेड, लेकिन अभी तक किसी ने बड़ा टोटल चेज किया नहीं। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग का किया फैसला और रोहित शर्मा शिखर धवन ने जड़ दिया, मतलब कमाल कर दिया यार। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर राइट एट द टॉप, शिखर बेफिकर, क्या खेला ये खिलाड़ी। आईसीसी टूर्नामेंट्स चेक, शिखर धवन फॉर्म चेक, ये इनकी ऐसी कुछ खास बात है। और सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो फिर डबल चेक, क्योंकि ये क्या खेलता है खिलाड़ी, मतलब वार्म अप खराब खेले, पहला मैच हुआ वहां खराब खेले, लग रहा था कि शिखर धवन की तकनीक में समस्याएं हैं, शिखर धवन की जो स्थान है उसके ऊपर थोड़ा सवाल या निशान है, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में खेले, शुरुआत में संभल कर खेले, उसके बाद बढ़िया शॉट लगाए और पहुंच गए शतक तक। और ये इस खिलाड़ी की खास बात है, जब ये जड़ता है ना तो फिर ये शतक जड़ता है और डबल क्विक टाइम में जड़ता है, वैसा ही इन्होंने काम किया। इनको साथ मिला रोहित का और रोहित शर्मा को देख के, मतलब पहले मैच में तो हम सब खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा खुश, क्योंकि ये नया वर्जन लग रहा है, ये नया अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है, जो बहुत प्राइस टैग लगाया, एक बड़ा प्राइस टैग अपने विकेट पर, फेंकने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी अपने विकेट, जो कि वंडरफुल न्यूज फॉर टीम इंडिया की। अगर आपके पास एक ओपनर जो ताबड़तोड़ है, धुआंधार है, लेकिन अपनी विकेट को संभाल के खेलना चाहता है, भाई देखो अंत तक खेलेंगे, शतक तो वैसे भी जड़ेंगे, लेकिन इस नए अंदाज को हमारा सलाम। उसके बाद आए विराट कोहली, विराट द रन मशीन कोहली, उनके सामने रणनीति थी, ऑफ स्टंप के बाहर, 6 खिलाड़ी सर्कल में, 1 गली पर फील्डर, लेकिन अंत में कोहली ने उससे भी निजात पा लिया, एक उपाय उनके पास भी था, वहां उन्होंने रन बना दिए, हार्दिक पांड्या को 4 पे भेजा। आई थॉट वंस अगेन वेल डन टीम इंडिया, क्योंकि अच्छा निर्णय था, उनको भेजा और हार्दिक पांड्या ने क्या की बल्लेबाजी, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक के बाद एक बड़े शॉट उन्होंने लगाए। और वैसे फिंच आपको बता नहीं कि इनके सामने स्पिन नहीं करानी, स्पिन कराओगे ना वो स्टैंड में फेंकते रहेंगे, ऐसा काम उन्होंने किया। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी अच्छा खेले और बहुत जरूरी था कि वहां पे रन बटोरना। 113-14 रन हमने आखिरी, नहीं उससे भी ज्यादा शायद, और हमने आखिरी 10 ओवर में बना दिए। महेंद्र सिंह धोनी ने आपके अंत में बड़े शॉट लगाए और मैं अपनी वो सोफा के पे बैठ के मैंने बोला अरे माही मार रहा है, और माही मार रहा है, और आप पहुंच जाए 350 के उस पार, इसका मतलब मैच अब आपकी पकड़ में आ रहा है। वैसे जाते जाते ना राहुल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, एक शॉट तो उनका भी बड़ा, एक्चुअली 2 शॉट उनके बड़े अच्छे थे। फिर आई गेंदबाजी की बारी, बड़ी धीमी शुरुआत, एक तरफ से बुमराह, दूसरी तरफ से बूवी, बूवी वॉज एक्चुअली एक्सेप्शनल, नई बॉल से बहुत ही किफायती डेविड वार्नर, रन उन्होंने बनाए, लेकिन 80-85 गेंदों में अगर आप 55-56 बनाकर जाते हैं तो इसका मतलब अपनी टीम का नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं। वन इनिंग्स दैट कॉस्ट देम डियरली, रन जरूर थे लेकिन टीम के काम नहीं आए। एरन फिंच रन आउट हुए और ओपनर रन आउट होता है थोड़ी समस्याएं होती है, वैसे रन था नहीं यार, केदार के हाथ से रन हो जाता लेकिन वहां रन नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद उस्मान स्टीव ने तो खैर अच्छा खेलते हैं, वो खेलते भी रहे और एक समय तो थोड़ा दिल की धड़कने बनाने वाला उन्होंने काम भी किया। उस्मान ख्वाजा को पहले भेजा गया, ही ऑल्सो प्लेड अ डिसेंट कैमियो, वहां पे उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी या कहीं जरूरत थोड़ी ज्यादा थी। मैक्सवेल ने आके कहा कि मैं मैच बदल सकता हूँ, ऑल वॉज वेल वाइल मैक्सवेल वॉज देयर। और जब उनको आउट किया, भूवी का 1 ओवर 2 विकेट, और पहले स्टीव स्मिथ को हमने लेग बिफोर होते हुए देखा, मुझे लगता था हम कभी देखेंगे नहीं इनको लेग बिफोर होते हुए, लेकिन वो लेग बिफोर हुए। और उसी ओवर में मार्कस स्टॉइनिस को आउट किया, एलेक्स कैरी खेले तो अच्छा, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने रन बनाए, लेकिन दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी चालने की, कुलदीप विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये समस्या है, दैट इज समथिंग दैट वी शैल डिस्कस ऑन आपकी वाणी आने वाली है, वैसे आपकी वाणी भी आपकी तरफ। तो फिर इंडियन टीम तो भाई कमाल कर दिया, और ये वाली मेरी प्रेडिक्शन एक्चुअली 0/0 एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, क्योंकि इंडिया जीत जाए यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, प्रेडिक्शन ऐसी मतलब तो फिर इंडिया 2 मैच 2 जीत, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 2 बड़े मुकाबले भारत जीत चुका है, दैट इज एन एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग न्यूज। अब न्यूजीलैंड की तैयारी, उसके बाद आएगा पाकिस्तान। देखते रहिए आकाशवाणी और 8 लाख सब्सक्राइबर।
ये तो करना ही है ना, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है ना, क्योंकि आज भी दो वीडियो है। एक तो ये हो गया हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू, और प्रीव्यू आएगा वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का, वो भी बड़ा मजेदार है, तो उसको जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन घंटी बजाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल भी जाएगी। और कमेंट सेक्शन भैया भर देना, आपकी वाणी आने वाली है, आपके सवाल मेरे जवाब।